हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी बोर्ड 2024 के लिए रिप्रोडक्शन यूनिट के 3 चैप्टर्स के हम एमसीक्यूज़ करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन तीनों चैप्टर के हम एमसीक्यूज़ करेंगे। और मैंने इसमें लास्ट 10 ईयर्स के जो इंपॉर्टेंट PYQ MCQs हैं वो भी इंक्लूड किए हैं। इन सब MCQs का लेवल बोर्ड के लेवल का है और इसका जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज होमोजीनियस मास ऑफ सेल ऑक्यूपाइंग द सेंटर ऑफ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर। अब जो एंथर होता है ना, उसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है और उसके सेंटर में कौन से मास ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, उन मास ऑफ सेल्स को ना हम स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से ये सेल माइक्रोस्पोर बनाते हैं, जो फर्दर क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द फिगर ऑफ द डिवेलपमेंटल स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू मैच्योर पोलन ग्रेन हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें फिगर में 1 2 3 4 बताना है। तो याद रखना, जब क्या होता है, माइक्रोस्पोर होता है वो पोलन ग्रेन बनाता है। इसमें याद रखना एक क्या आ जाता है, यहाँ पे वैक्यूल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे वैक्यूल आ गया और एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर आता है, जिसकी वजह से एसिमेट्रिक डिवीजन होती है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर 1 है ये स्मॉल सेल होता है, इसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं और बड़े वाले को हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। वेजिटेटिव सेल में जनरेटिव सेल फ्लोट करता है। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, जनरेटिव सेल, सेकेंड वेजिटेटिव सेल होगा, थर्ड हमारा यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, फोर्थ हमारा वैक्यूल है। तो जो ऑप्शन नंबर C है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हमें फिगर 1 और 2 दिया हुआ है, शोइंग 2 स्टेजेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस इन टिपिकल एंडोस्पर्म प्लांट। हमें बताना है प्लॉइडी ऑफ X, Y, Z। ठीक है, प्लॉइडी मतलब हमें बताना ये डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, तो हमें बताना कि कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ ना X दिया हुआ है। जो X है ना वो क्या होता है, न्यूसिलस होता है। ठीक है, ये न्यूसिलस है, आउटर मोस्ट प्रेजेंट है और ये याद रखना क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। उसके अंदर क्या होता है, जो सेल है ना वो क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। तो इसके अंदर याद रखना जो सेल होता है ना, जो डिवाइड करता है, इसे हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ना, ये क्या होता है, डिप्लॉयड होता है और ये जब ये डिवाइड करता है ना तो मियोसिस फर्स्ट से ना, ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट से ये 2 सेल बनाता है, इसे हम मेगास्पोर डायड कहते हैं। ठीक है, सो इट फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज मेगास्पोर डायड। और ये जो दोनों सेल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो X जो होगा वो डिप्लॉयड होगा और ये जो एक सेल था स्टार्टिंग में उसे मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। मियोसिस 1 में वो 2 सेल बनाएगा, Y और Z ये दोनों सेल क्या हो जाएंगे, हमारे डिप्लॉयड होंगे, इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर B है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, Which one of the following is not found in a female गैमेटोफाइट of an एंजियोस्पर्म। फीमेल गैमेटोफाइट में याद रखना जर्म पोर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि जर्म पोर जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन में। ठीक है, वेयर एज जो सिनर्जिड्स है, फिलीफॉर्म एपरेटर, सेंट्रल सेल, ये सारे किस में प्रेजेंट होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट में। तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, Select the plant species where emasculation is not required for artificial hybridization experiment। अब emasculation में क्या होता है, जो मेल पार्ट है ना उसको हम रिमूव करते हैं और मोस्टली ये किसके लिए होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए होता है। अब अगर हम बायसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करें, इसमें क्या है, जो कैस्टर है, ठीक है, कैस्टर है, जो मेज है और वीट है, वो क्या है, बायसेक्सुअल फ्लावर है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, मेल पार्ट को रिमूव करते हैं। वेराज जो पपाया है ना वो याद रखना क्या है, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, तो इसको अगर आपके पास क्या है, फीमेल प्लांट है, ठीक है, अगर इसके आपके पास क्या फीमेल प्लांट है और वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है, तो इसमें इमेस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, Which of the given statements are correct with respect to pollination in वेलिसन एरिया। जो वेलिसन एरिया है, पॉलिनेशन ना इसमें क्या होती है, वाटर में होती है। सबसे पहला इसमें हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये विंड पॉलिनेशन में होता है। सेकंड है फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टार्क, ये करेक्ट है, जो फीमेल फ्लावर है वो सरफेस ऑफ वाटर में लॉन्ग स्टार्क से पहुंचता है। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है और फोर्थ है फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, तो वो वाटर में सबमर्ज्ड नहीं रहता है, तो वो वाटर के ऊपर रहता है, क्योंकि क्या होता है वाटर के ऊपर वो लॉन्ग स्टार्क से रीच करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। तो इसका ओवरऑल जो डी ऑप्शन है, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड इसमें ऑप्शन दिया है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है सेल पॉलिनेशन इज फुली इंश्योर्ड इफ। सेल पॉलिनेशन फुली इंश्योर्ड कब होता है? फर्स्ट फ्लावर इज बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल फ्लावर होने पे भी ना क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। द स्टाइल इज लॉन्गर देन द फिलामेंट, तब भी क्या हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। फ्लावर इज कैलिस्टोगैमस, अगर फ्लावर कैलिस्टोगैमस है ना, कैलिस्टोगैमस का मतलब क्या है, जो फ्लावर है वो क्लोज्ड है, ठीक है, सो इट डू नॉट ओपन, ये ओपन नहीं होता, और इसमें क्या होता है जो एंथर है, ठीक है, और जो स्टिग्मा है वो क्या होता है, इट इज क्लोज टू ईच अदर, उस पास पास में रहता है और फ्लावर ना क्लोज होता है, तो इसमें सिर्फ क्या हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है कैलिस्टोगैमस फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेटेड बिकॉज दे आर बायसेक्सुअल फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है द गिवन फिगर ऑफ एन एग एपरेटस ऑफ एन एंडोस्पर्म, एग एपरेटस का हमें फिगर दिया है। शो द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब फॉर रिलीज ऑफ 2 मेल गैमेट, तो पोलन ट्यूब की यहाँ पे एंट्री शो की है, 2 मेल गैमेट यहाँ पे रिलीज हुए हैं। विच ऑफ द 2 फ्रॉम एक्स वाई जी द 2 मेल गैमेट फ्यूज विद, तो जो मेल गैमेट है वो एक्स वाई और जी में किसके साथ वो फ्यूज करेंगे, ये हमें बताना है। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्स क्या होता है, एक्स याद रखना क्या है, एक एग है, ठीक है, वेरस वाई क्या, अगर आप देखो 2 हैं, तो ये 2 क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। वेरस अगर आप जेड की बात करोगे, ये क्या है, सेनर्जिड है, ठीक है। अब ये जो मेल गैमीट है ना, सेनर्जिड के थ्रू मूव करते हैं, और ये क्या करेंगे, जो एक मेल गैमीट है वो क्या करता है, एग के साथ फ्यूज करता है, एग के साथ फ्यूज करके ना वो क्या बनाता है, साइगोट बनाता है, और दूसरा मेल गैमीट ना 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके PEN बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, एक्स और वाई के साथ कंबाइन कर रहे हैं मेल गैमेट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इन टिपिकल एंजियोस्पर्म। सबसे पहले दिया है हमें बताना है कि जो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म है वो कैसे होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रीसीड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ये गलत है, पहले एंडोस्पर्म बनता है उसके बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, तो ये गलत इन्होंने दिया हुआ है। सेकंड है एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, तो ये करेक्ट है, जो एंडोस्पर्म के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, 3N होते हैं, और वो डिवाइड करके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट दिया है एंडोस्पर्म टिश्यू हैज स्कैंसिटी रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल, गलत है, क्योंकि इसमें स्कैंसिटी मतलब कम नहीं होते, इसमें ज़्यादा होते हैं, तो दे हैव एबंडेंट रिजर्व ऑफ, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है अंडरगो सक्सेसिव डिवीजन टू फॉर्म फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तो ये भी करेक्ट है, जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होते हैं ना वो डिवाइड करते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है, उसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं जो बनता है, तो ये करेक्ट है। तो अगर हम बात करेंगे सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी जिसमें सेकंड एंड फोर्थ है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शो करेक्टली आइडेंटिफाइड UXYZ इन द डेवलपिंग डाइकोट एम्ब्रियो। सबसे पहले जो एक्स है सबसे ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो सस्पेंसर सेल्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो हमारा जेड है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रेडिकल जो रूट सिस्टम बनाता है। अब ये जो वाई है ये 2 होते हैं, क्योंकि डाइकोट है तो ये कॉटिलीडन रिप्रेजेंट करता है। अगर यू की बात करेंगे, यू क्या रिप्रेजेंट करता है, ये प्लीम्यूल रिप्रेजेंट करता है जो बाद में शूट सिस्टम बनाता है। तो 11th का जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है मैच द करेक्ट स्ट्रक्चर इन कॉलम 1 विद द फ्रूट इन द कॉलम 2 इन द गिवन चार्ट। अब याद रखना पेरिस्पर्म क्या होता है, जब न्यूसिलस ना क्या होता है सीड में प्रेजेंट होता है, जब सीड बनता है उसमें स्टिल क्या होता है न्यूसिलस प्रेजेंट होता है, तो उसे पेरिस्पर्म कहते हैं। तो इसका आंसर है ब्लैक पेपर में ये होता है। अब याद रखना जो स्ट्रॉबेरी है एक्चुअल में वो क्या होता है थैलमस से बना होता है, इसे हम फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। तो थैलमस जो होता है वो स्ट्रॉबेरी होता है। पेरिकार्प जो होता है वो क्या होता है कवरिंग ऑफ द फ्रूट, जो मैंगो है उसका फ्लैशी जो पार्ट है वो पेरिकार्प होता है। और याद रखना मेज में याद रखना एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, इसे हम एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है अगर हम बात करें 12th का ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन। याद रखना कुछ जो प्लांट्स के सीड बनते हैं ना तो उसमें एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाता है, इसे हम नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है ग्राउंडनट एंड पी ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, द फ्लोरल पार्ट दैट डेवलप इनटू फ्रूट इन स्ट्रॉबेरी। अभी हमने पढ़ा था जो स्ट्रॉबेरी में पार्ट फ्रूट बनाता है वो थैलमस होता है, इसे हम फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सीड्स ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट पार्ट रेसिडुअल एंडोस्पर्म विल बी प्रेजेंट। तो कुछ सीड्स में याद रखना एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो सकता है रेसिड्यू उसका, तो इसे हम एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है व्हीट, मेज एंड बार्ली। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीड ऑफ एन ऑरेंज व्हेन टेकन आउट एंड स्क्वीज शो मैनी एम्ब्रियो ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, रीजन फॉर दिस इन मैनी एम्ब्रियोज हैव डेवलप्ड फ्रॉम। ठीक है, अब याद रखना ऑरेंज को जब आप बाहर लेते हो ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रियो होते हैं, और ये एम्ब्रियो कहाँ से आते हैं, ये ना न्यूसिलर के सेल्स से आते हैं। जो न्यूसिलर के सेल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, प्रोट्रूड करते हैं और वो जाते हैं एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, ये जो न्यूसिलर के सेल्स हैं ना ये बहुत सारे क्या बनाते हैं, एम्ब्रियोस बना देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, इसे हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि न्यूसिलर के सेल डिवाइड होते हैं और डिवेलप होते हैं एम्ब्रियोस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 2 की जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फिगर गिवन बिलो शो द सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमें सेक्शनल व्यू दिया हुआ है, हमें करेक्ट लेबलिंग करना है W, X, Y, Z। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ना, ये जो X होता है ये फैलोपियन ट्यूब का कौन सा रीजन होता है, ये एम्पूला रीजन होता है। ठीक है, अगर हम Y की बात करें, Y क्या होता है यहाँ पे, सर्विक्स होता है। ठीक है, अगर हम बात करें Z की तो ये यूट्रस का आउटर वाला पोर्शन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, और जो मिडल पोर्शन है वो W दिया हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं। दिस इज मायोमेट्रियम। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे W क्या है, मायोमेट्रियम है, तो ऑप्शन नंबर B क्या करेक्ट है। X क्या दिया हुआ है, एम्पूला दिया है, Y सर्विक्स है, और Z हमें क्या दिया है, पेरीमेट्रियम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ह्यूमन स्पर्म न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन द रीजन नोन एज। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पर्म में प्रेजेंट होते हैं और वो हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ स्पर्म में, कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, और ये प्रेजेंट होता है मिडल पीस में। क्वेश्चन नंबर 3 है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्म हेड गेट इम्बेडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो जो स्पर्म का हेड है ना इम्बेड हो जाता है, याद रखना सर्टोली सेल में, वहां से वो क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, और उसके बाद वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द हार्मोन दैट रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन इन ह्यूमन मेल। तो जो हार्मोन रिक्वायर्ड होता है सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, इसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है, LH, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन नॉर्मल ह्यूमन फीमेल। तो याद रखना मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, जो क्या होता है, पिट्यूटरी होता है ना, वो 2 हार्मोन रिलीज करता है, FSH एंड LH। ठीक है, तो ये ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में FSH एंड LH जो है वो एक्टिव होते हैं, ये 2 हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सोर्स ऑर्गन एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन FSH आर। अब याद रखना जो FSH है ना वो पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और ये रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, रिलीज होता है हार्मोन, और इसका फंक्शन क्या होता है, फॉलिकुलर फॉर्मेशन, जो फॉलिक्यूल है उसकी डिवेलपमेंट में ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो जो फॉलिकुलर डिवेलपमेंट है उसमें FSH हेल्प करता है, और एज ए रिजल्ट जो फॉलिकल होता है ना बाद में वो एस्ट्रोजन रिलीज करता है। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्पेसिफिक साइट फॉर फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल। जो ह्यूमन फीमेल है फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, और उसका जो एम्पुलरी रीजन है, एम्पुला, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। पुरानी बुक्स में एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन दिया है, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक हमारा एम्पुलरी रीजन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द लिम्फ डिजिट आर फॉर्म्ड इन ह्यूमन फीटस बाय द एंड ऑफ। तो ये जो लिम्फ और जो डिजिट्स बनते हैं, फिंगर्स बनते हैं, ये एंड ऑफ 2 मंथ्स, अराउंड 2 मंथ्स के बाद क्या होता है, ऑफ प्रेगनेंसी के बाद बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 60 डेज ऑफ प्रेगनेंसी के बाद लिम्फ्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रियोनिक विलाई इन ह्यूमन, हमें बताना है कौन सा ट्रू है। इट अपेयर आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो इन द यूट्रस, तो क्रोनिक विलाई जो है वो इम्प्लांटेशन के पास दिखाई देता है इन द यूट्रस, ठीक है, तो ये करेक्ट है। सेकेंड, इट बिकम इंटरडिजिटेड विद द सर्वाइकल टिश्यू, अभी हमने पढ़ा ये जो है वो किसके साथ कंबाइन होता है, यूट्रस के साथ, तो इंटरडिजिटेड वो यूट्रस के साथ करता है, ना कि सर्वाइकल टिश्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये गलत है। थर्ड है इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, तो ये करेक्ट है, तो एक्सचेंज ऑफ जो मटेरियल है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। इट डिवेलप फ्रॉम द इनर मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, जो इनर मास है वो क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, जो आउटर सेल होते हैं जो ट्रोपोब्लास्ट होता है उससे ये क्या बनता है, क्रोनिक विलाई बनता है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, एजर्शन है द पेरीमेट्रियम ऑफ यूट्रस एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो ये गलत है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ना जो मायोमेट्रियम है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, तो एजर्शन हमें गलत दिया है। रीजन है ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी कॉज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो ये हमारा जो रीजन है वो करेक्ट है, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन है ना वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। एजर्शन हमारा गलत है, रीजन हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन ओवम इज फॉलोड बाय, तो जैसे ना स्पर्म ना एंटर करता है ना ओवम में, तो याद रखना इसकी म्योसिस सेकंड क्या होती है, कंप्लीट होती है, तो ऊटिड बनता है, ऊटिड को ही हम क्या बोलते हैं, ओवम कहते हैं, तो ये बनता है, साथ में सेकंड पोलर बॉडी बनती है जो डीजनरेट हो जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा कंप्लीशन ऑफ म्योसिस सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज, तो अगर हम सीक्वेंस ऑफ हार्मोन की बात करें तो जो पहला हार्मोन होता है वो एफएसएच होता है, पिट्यूटरी से ये रिलीज होता है। अब एफएसएच जो है ना वो क्या करता है, जो फॉलिकल है उसकी ग्रोथ करता है, और फॉलिकल से याद रखना क्या रिलीज करता है, एस्ट्रोजन ये हार्मोन रिलीज करता है। उसके बाद याद रखना फॉलिकल डीजनरेट हो जाता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम याद रखना प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है। तो पहले एफएसएच होगा, फिर ईस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्ट्रॉन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हार्मोन सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा, पहला स्टेटमेंट है प्लेसेंटा सिक्रीट रिलैक्सिन ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, ये करेक्ट है, जो रिलैक्सिन है ना वो मसल को रिलैक्स हेल्प करने में हेल्प करता है और डिलीवरी के टाइम पे चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। सेकंड है प्लेसेंटा सिक्रीट हाई अमाउंट ऑफ एफएसएच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये गलत है, तो जो प्लेसेंटा वो एफएसएच रिलीज नहीं करता है, एफएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। प्लेसेंटा सिक्रीट रिलैक्सिन ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, ये गलत है, क्योंकि जो रिलैक्सिन है वो लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में रिलीज होता है। प्लेसेंटा सिक्रीट एचसीजी, जो एचसीजी होता है वो ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है, एंड HPL रिलीज करता है विच इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, तो जो अगर हम बात करें जो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल डिक्रीज इन मेटरनल ब्लड, तो जो मेटरनल ब्लड है उसमें किसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, एज इट फ्लो फ्रॉम एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, तो याद रखना जो एम्ब्रियो होता है ना उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, तो मेटरनल ब्लड में ऑक्सीजन और अमीनो एसिड यूज हो जाएगा, और याद रखना CO2 और जो यूरिया है क्योंकि ये सिक्रीट हो रहा है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, तो किसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, ऑक्सीजन एंड अमीनो एसिड की, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है एजर्शन है पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, पार्चुरेशन क्या होता है, चाइल्ड बर्थ, और ये क्या होता है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से ये होता है। रीजन क्या दिया, एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड द मैटरनल पिट्यूटरी रिलीज प्रोलैक्टिन विच कॉज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है बट ये प्रोलैक्टिन से नहीं होता, ये होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिससे पार्चुरेशन होता है, तो एजर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन हमारा क्या है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। क्वेश्चन नंबर 1 है एजर्शन है डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन अननोन चाइल्ड, अगर अननोन चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन किया उसके बाद MTP किया, ये एक इलीगल प्रैक्टिस है। MTP अबॉर्शन मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। तो एजर्शन करेक्ट है। रीजन दिया एमनियोसेंटेसिस इज ए प्रैक्टिस टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो एमनियोसेंटेसिस से एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है जिसमें सेल्स होते हैं जिससे जेनेटिक डिसऑर्डर पता किया जाता है, ये भी करेक्ट है। बट एजर्शन का ये करेक्ट रीजन नहीं है। करेक्ट रीजन ये होना चाहिए था कि एमनियोटिक फ्लूइड से ना सेक्स डिटरमाइन भी हो सकता है जो एक इलीगल प्रैक्टिस है। तो एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एजर्शन है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इज इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1951 टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल को। एजर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन क्या है, ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया अवेयरनेस वॉज क्रिएटेड अमंग रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट्स अंडर द प्रोग्राम। तो इसमें क्या है, एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एजर्शन है स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज टू लीगली चेक इंक्रीजिंग फीमेल फीटिसाइड। तो एजर्शन करेक्ट है। जो एमनियोसेंटेसिस है इसमें बैन किया गया है ताकि सेक्स डिटर्मिनेशन ना हो पाए और जो फीमेल फीटिसाइड है वो कम हो पाए। रीजन है इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड दैट हैज द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द क्रोमोसोम इन द फीटल सेल। ये भी करेक्ट रीजन है। बट ये एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था जो एमनियोसेंटेसिस है उसमें क्या हो सकता है, जो फीटस है उसका सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं और उससे एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। क्वेश्चन नंबर फोर है, ए ह्यूमन मेल डिसाइड टू अडॉप्ट ए सर्जिकल मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन आइडेंटिफाई द पॉइंट इन द डायग्राम वेयर ए कट वुड बी मेड एंड टाइट। अगर हम डायग्राम की बात करें कहाँ पे कट होना चाहिए और वहाँ पे उसे टाई किया जाएगा तो ये क्यू होगा। क्यू याद रखना क्या होता है, वास डेफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर इसको कट और टाई किया जाए ना तो स्पर्म यहाँ पे ट्रेवल नहीं होंगे, इसे वैसेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। सर्जिकल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी वेयर पॉइंट क्यू जो कट है उसे टाई किया जाएगा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव है, एजर्शन दिया है क्यूबेक्टॉमी इज ए स्टरलाइजेशन प्रोसीजर एडवाइज फॉर फीमेल एस टर्मिनल मेथड। तो ये करेक्ट है। क्यूबेक्टॉमी में जो फैलोपियन ट्यूब है उसे टाई या कट किया जाता है और ये टर्मिनल मेथड है जिससे क्या किया जाता है, स्टरलाइजेशन किया जाता है। रीजन है इन ट्यूबेक्टॉमी ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड आर टाइड अप ब्लॉकिंग गैमीट्स ट्रांसपोर्ट देयर बाय प्रिवेंटिंग कॉन्ट्रासेप्शन। ये भी करेक्ट है और एजर्शन का ये करेक्ट रीजन है। तो ऑप्शन नंबर ए वेयर बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एन आईयूडी दैट इज रिकमेंडेड टू सप्रेस स्पर्म मोर्टिलिटी एंड द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म इज। तो याद रखना जो स्पर्म मोर्टिलिटी है और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कम करने के लिए जो आईओडी यूज़ किया जाता है उसमें क्या होना चाहिए, कॉपर। तो कॉपर रिलीजिंग आईओडी यूज़ किया जाता है। और अगर इन चारों की बात की जाए इसमें ना जो मल्टी लोड 375 है ये कॉपर रिलीजिंग आईओडी है। तो ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, लिस्ट बिलो आर द वेनेरियल डिजीज एक्सेप्ट। वेनेरियल डिजीज मतलब सेक्शुअली ट्रांसमिटेड। जेनिटल वार्ड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एस्केरिसिस जो है वो सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। ट्राइकोमोनियासिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसका आंसर जो बी है दैट इज करेक्ट। एस्केरिसिस होता है ना, इसमें जो एग है ना वो क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। अगर पर्सन ने वो एग कंज्यूम किया तो उसे वो डिजीज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर एट है, हमें कॉलम ए दिया हुआ है जिसमें सर्टन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है ART और बी कॉलम में प्रोसीजर हमें दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें ए होता है GIFT विच इज गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर और इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओबम होता है फ्रॉम डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। तो ए का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इसे हम कहते हैं। इसमें याद रखना है जो स्पर्म है वो डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इनटू द ओवम। तो सेकंड का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देन ZIFT जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इसमें याद रखना क्या होता है, जो ट्रांसफर ऑफ अर्लियो एम्ब्रियो इनटू द फेलोपियन ट्यूब, इसका फोर्थ है। और लास्ट होता है IUI इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ सीमन फ्रॉम द डोनर इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। तो डी का ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। तो ओवरऑल जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन है, एजर्शन है आवर लॉज परमिट लीगल एडॉप्शन एंड इट इज एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर चाइल्डलेस कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। ये एजर्शन करेक्ट है। तो इसमें क्या कर सकता है, जो चाइल्डलेस कपल है वो ना एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। रीजन दिया इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर आर ऑल्सो नो डिटरेंस। डिटरेंस मतलब हिंड्रेंस होती है इन द लीगल एडॉप्शन ऑफ द ऑर्फन एंड डिस्टिट्यूट चाइल्ड इन इंडिया। डिस्टिट्यूट मीन्स जो पुअर चाइल्ड है विदाउट एनी हाउस, विदाउट एनी सपोर्ट, ठीक है। बट ये नो डिटरेंट नहीं, ये डिटरेंट की तरह काम करता है, ये एक हिंड्रेंस की तरह काम करता है। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर, तो जो रीज़न है वो क्या है, गलत दिया है, एजर्शन करेक्ट है। रीज़न होना चाहिए था जो इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर दे एक्ट एज डिटरेंट्स, ठीक है। तो इसका एजर्शन करेक्ट है, रीज़न इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन बिलो आर 4 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड देयर मोड ऑफ एक्शन, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। सबसे पहले ए क्या दिया हुआ है हमें, कॉन्डम दिया हुआ है। अब याद रखना जो कॉन्डम है ना वो प्रिवेंट करते हैं स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स, तो फर्स्ट का 3 है। वैसेक्टोमी में क्या होता है, जो स्पर्म है वो सीमन डज नॉट कंटेन एनी स्पर्म, तो सीमन में स्पर्म नहीं जाता है, इसमें वास्ट डिफरेंस को टाई या कट किया जाता है। पिल्स जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं ओव्यूलेशन को, और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को टाई या कट किया जाता है, तो ओवम नॉट एबल टू रीच फैलोपियन ट्यूब। तो इसकी बात की जाएगी, तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एजर्शन है लैक्टेशनल एमनरिया इज द नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, ये करेक्ट है। तो याद रखना लैक्टेशन के टाइम में ना मेंस्ट्रुअल साइकिल ना एब्सेंट होता है, तो उस टाइम पे ना ये एज ए कॉन्ट्रासेप्शन काम करता है। रीजन दिया है इट इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, तो रीजन हमें क्या दिया है, गलत दिया हुआ है, एजर्शन करेक्ट है, रीजन हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 एजर्शन दिया है सहेली एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल कंटेन स्टेरॉयडल प्रेपरेशन, एजर्शन गलत है क्योंकि इसमें स्टेरॉयडल नहीं नॉन स्टेरॉयडल प्रेपरेशन होता है। रीजन है इट इज ए वंस ए वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, रीजन हमें क्या दिया, करेक्ट दिया हुआ है, तो एजर्शन हमारा गलत है वेयर एस रीजन इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर आयन इन एन आयोडी, तो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज यूज किया जाता है। ये याद रखना ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं मोर्टिलिटी ऑफ स्पर्म और मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है An infertile couple was advised to undergo in vitro fertilization by the doctor. Out of the option given below, select the correct stage for transfer to the fallopian tube for successful result. तो जाइगोट को ना ट्रांसफर किया जाता है in vitro fertilization, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी के केस में जो जाइगोट है अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर में ट्रांसफर किया जाए तो सक्सेसफुल रिजल्ट आ सकता है। इसे ZIFTB जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है A female undergo IVF in vitro fertilization treatment has blocked fallopian tube. The technique by which the embryo more than इसमें 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमेयर्स है उसे ट्रांसफर किया जाता है फीमेल में फॉर फर्दर डेवलपमेंट, इसे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर भी कहते हैं IUT। जब 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमेयर हो तो इसे यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है।